जय हिंद एवरीबडी, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आई होप एवरीबडी इज डूइंग ग्रेट एंड हैविंग द अमेजिंग टाइम ऑफ देयर लाइफ। दिस इज योर होस्ट एंड मेंटर अनुराग ठाकुर, एंड आज की वीडियो में यार हम समझेंगे थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट के बारे में। बट उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक्स रिगार्डिंग SSB इंटरव्यू। सो ये इंटरव्यू होता है टू सेलेक्ट द कैंडिडेट्स फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेज एज एन ऑफिसर। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इंडियन आर्मी को इंक्लूड करता है, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। नेक्स्ट SSB इंटरव्यू जो है यार, इट्स कॉल्ड एज द पर्सनैलिटी बेस्ड इंटरव्यू। और पर्सनैलिटी का अगर हम मतलब जाने, सो इट मीन्स द डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन कैरेक्टर दैट मेक हिम और हर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। अब जो पर्सनैलिटी चीज है यार, सबकी अलग होती है, दो लोगों की सेम नहीं हो सकती, एंड यू गैज ऑल्सो हैव टू नो दिस, राइट। SSB process is divided into two stages. Stage one जो है आपका, it consists of screening test, जो कि पहले दिन में होता है SSB में जाके, जो include करता है officer intelligence rating वाला test and picture perception and discussion test. Stage two जो है, it includes three test and a board conference. वो तीन test कौन-कौन से हैं? Psychology test, personal interview and GTO. And जो board conference है, it takes place on the last day. Now let's come to our टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, राइट। सो सबसे पहले यार पर्पस जानते हैं हम साइकोलॉजी टेस्ट का, कि ये टेस्ट SSB में इंट्रोड्यूस ही क्यों किए हैं। सो सिंपल सा पर्पस है यार, टू एनालाइज द माइंडसेट ऑफ द कैंडिडेट एंड फाइंड वेदर ही और शी इज द राइट फिट और नॉट, राइट। इट चेक्स वेरियस लेवल्स ऑफ द माइंड ऑफ अ कैंडिडेट। कॉन्शियस माइंड इज वट वी आर एक्टिवली थिंकिंग अबाउट, द सबकॉन्शियस माइंड is what we have learned and stored in our brain, and the unconscious mind is what we are not aware of at all. एक मैं example आपको detail में explain करके देता हूँ। Basically तीन example लिखे हैं, learning, driving, brushing our teeth and breathing, but मैं आपको driving सीखने का एक example detail में समझाता हूँ। अब जैसे आप imagine कीजिए, आप पहले दिन अपने पापा के साथ जा रहे हैं, जो कि काफ़ी challenging task है, क्योंकि आपको पता है किस way में वो आपको driving सिखाएंगे। So पहले दिन जब आप गाड़ी में बैठते हैं, so at that day you guys are very much conscious, right, about various things that are inside the car. Gear kab lagana hai, hand brake kab down karni hai, kab accelerator ko dabana hai, kab brake dabana hai, kab clutch ko daba ke gear lagana hai, kab steering wheel ko move karna hai, kab samne dekhna hai. You are conscious about every little detail, but dheere dheere aap us cheez ko continuously karte ho, learn kar lete ho, to aapke wo subconscious dimag mein baith jati hai, right. And 3 ya 4 mahine baad aap अब गियर को भी नहीं देखोगे, हैंड ब्रेक को भी नहीं देखोगे, ब्रेक एक्सेलरेटर इन कुछ भी चीजों को नहीं देखोगे, बस सिर्फ रोड को देखोगे सामने, एंड डेफिनेटली आपकी ड्राइविंग ऑटोमेटिकली चलती रही। सो दैट्स योर सबकॉन्शियस, एंड आई रियली विश आपकी लाइफ में अनकॉन्शियस वाली स्थिति कभी आए, राइट। एंड वन मोर एग्जाम्पल टू टेल इज ब्रशिंग आर टीथ एंड ब्रीदिंग। नाउ टैट जो है यार, इट्स योर फर्स्ट टेस्ट इन साइकोलॉजी टेस्ट, विच स्टैंड्स फॉर थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक का मतलब अगर हम सिंपल से समझे, सो इट्स कंसर्न्ड विद द सब्जेक्ट और थीम ऑफ समथिंग। परसेप्शन का मतलब क्या है? परसेप्शन मींस द क्वालिटी ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ थिंग्स थ्रू द फिजिकल सेंसेस, स्पेशली साइट। आपने सामने देखा, आपको देखने से क्या प्रतीत हुआ। एक मैं बेसिक सा एग्जाम्पल लेके देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये अनुराग है, ये मैं हूँ, ठीक है, ठीक है। एंड ठीक है, इसके थोड़े बाल बना देते हैं, ठीक है, असली लाइफ में तो होगा नहीं, बट यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। सो शी इज क्रश ऑफ अनुराग, राइट। अनुराग के हाथ में एक चौक हम इमेजिन करवाते हैं, तो अनुराग क्या करता है, चौक से यार जमीन पे एक फिगर बनाता है 6 की, ठीक है। चौक से जमीन पे फिगर ऑफ 6 बनाता है और कहता है कि दिस इज 6, बट सामने वाली उसकी क्रश है यार, वो तो ऑलरेडी नहीं मानती है ना, शी हैज रिजेक्टेड हिम वेरियस टाइम्स, और आज भी नहीं मान रही, एंड शी इज 9, इट्स 9। तो यार देखो, देखने से जो प्रतीत हो रहा है थ्रू साइट, दैट वी कॉल बेसिकली हिज परसेप्शन। बट थीमेटिक अपरसेप्शन इज अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट थिंग, राइट। अब हम आ जाते हैं अपरसेप्शन की डेफिनेशन पे, जिसका मतलब है इट्स द प्रोसेस वेयर बाय परसीव्ड क्वालिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर रिलेटेड टू द एक्सपीरियंस इन द पास्ट। मतलब आप उसी चीज को देखकर उसको रिलेट करते हो अपने एक्सपीरियंसेस से थ्रू इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन, राइट। अब एक और एग्जाम्पल हम एज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लासरूम है, आप उसका दरवाजा खोलते हो एंड आप देखते हो कि यार अनुराग सर सामने रिकॉर्ड कर रहे हैं एक वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई तुमने क्या देखा, तो आप बेसिकली बोलोगे यार देयर इज अनुराग सर इन द क्लासरूम, ठीक है, जो कि आपकी परसेप्शन बोल रही है थ्रू साइट। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई नाउ व्हाट्स योर अपरसेप्शन, अपरसेप्शन का मतलब ये होगा
कि अनुराग सर इज माई एस एस बी मेंटोर, कि आपको पता है कि वो जो इंसान है ही टीचेज अबाउट एस एस बी एंड ही इज माई मेंटोर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, माई स्टमक हर्ट्स इज अ परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपको पेट दर्द हो रही है, आपने कुछ गलत फुलत खा लिया है, ठीक है, जंक फूड और समथिंग लाइक दिस, तो दैट्स योर परसेप्शन। आप ये बेसिकली अब सेंस कर पा रहे हो थ्रू योर फिजिकल सेंसेस, इसमें आपकी साइट इन्वॉल्व नहीं है, बट स्टिल यू कैन सेंस इट। बट आई मे वॉमिट इज अ परसेप्शन। अब हो सकता है यार पास्ट में आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंस हुआ हो एंड यू आर गेटिंग अ फीलिंग कि यू माइट वॉमिट, सो दैट्स अ परसेप्शन। अ परसेप्शन इज अ सोफिस्टिकेटेड मेंटल प्रोसेस दैट कीप्स डेवलपिंग थ्रू आउट लाइफ्स। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होती है यार। द मोर एक्सपीरियंसेस, द मोर एक्सपोजर यू गेन, द मोर टाइम यू गेट दिस थिंग इन योर माइंड सेट, योर परसेप्शन क्रिएट्स योर रियलिटी। ओके, सो गाइज, अब इस टेस्ट को थोड़ा और डिटेल में अगर डिस्कस करें, सो इट्स अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन। So feel free to write whatever you want, but relevant to the picture. The task demands writing a story around a situation and characters that will be shown in the picture to the candidates. So ऐसे कुछ instructions आपके सामने आएंगे before you start with the test. अब test में क्या होने वाला है? Test में यार आप लोगों को 12 pictures दिखाई जाएंगी, ठीक है, जो कि black and white format में रहेंगी and they will be consisting of some characters and situation. और इन 12 पिक्चर्स में देयर विल बी वन ब्लैंक स्लाइड एज द 12th पिक्चर। नाउ एवरी पिक्चर विल बी शोन टू द कैंडिडेट्स फॉर 30 सेकंड्स ईच। 30 सेकंड्स के लिए पिक्चर सामने एक बड़ी सी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट की जाएगी और 30 सेकंड्स खत्म होने के बाद एक खाली स्लाइड आ जाएगी जो कि 4 मिनट तक रहेगी, जिसमें आपको अपनी स्टोरी लिखनी है। अब आप लोगों को मैंने एक ये पिक्चर दिखा दी, ठीक है, अब यू गाइस जस्ट टेक अराउंड 30 सेकंड्स एंड स्टार्ट राइटिंग अ स्टोरी ऑन दिस पिक्चर। ओके, सो नाउ अगर हम डिस्कस करें यार कि एक सैंपल स्टोरी कैसे होगी, कैसे हमें स्ट्रक्चरिंग करनी है एंड व्हाट थिंग्स टू इंक्लूड, सो लेट्स सी। सो मैंने अपनी पिक्चर का एक मेन कैरेक्टर लिया है जिसका नाम मैंने रखा है अजय। अब स्टोरी जो है यार वो थर्ड पर्सन में होनी चाहिए, बिकॉज आपको भी पता है जब हम किसी को कहानी भी सुनाते हैं सो हम पास्ट टेंस ही यूज करते हैं, राइट। अजय वॉज द हेड बॉय ऑफ DAV पब्लिक स्कूल सेक्टर 3 चंडीगढ़। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th एंड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय द स्कूल। अब स्टार्टिंग में यार आपको ना अपनी स्टोरी में इंट्रोडक्शन देना है मेन कैरेक्टर का, जिसमें आपको प्रिसाइज रहना है और स्पेसिफिक रहना है। एज द एनुअल स्पोर्ट्स डे वॉज अप्रोचिंग इन अ मंथ, वन डे ड्यूरिंग द रेसेस ही वॉज कॉल्ड अप बाय हिज स्कूल प्रिंसिपल मिस्टर महेश। ही रश्ड टू द ऑफिस इमीडिएटली आफ्टर हैविंग हिज लंच विद हिज फ्रेंड्स। द प्रिंसिपल गेव हिम अ लिस्ट ऑफ टास्क दैट नीड्स टू बी डन इन द अपकमिंग वीक। अब यार उसको उसके प्रिंसिपल ने बुलाया। सो दिस इज ऑल द पास्ट ऑफ द सीन। जब हम पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो हम देख पा रहे हैं प्रेजेंट में देयर इज अ कन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन टू कैरेक्टर्स, जिसमें से एक जो है इनकी एज थोड़ी सी स्लाइटली हायर लग रही है, ही इज लुकिंग एज अ मेल, और ये जो है ही इज लुकिंग बेसिकली यंग। और इनकी शर्ट भी देखें तो हम जो इन्होंने शर्ट है वो काफी फोल्डेड मैनर में किया है। सो बेसिकली स्कूल टाइम से मैं इसको अगर रिलेट करूँ तो वी ऑल्सो यूज टू यू नो हैव आर लंच एंड कभी कभी गेम्स खेलते टाइम यूज टू फोल्ड इट, है ना। तो अभी क्या हुआ है, हमारे मेन कैरेक्टर को प्रिंसिपल ने बुला लिया। He rushed to his office immediately after having his lunch with his friends. The principal now gave him a list of tasks that need to be done in the upcoming week. He listened carefully to all the instructions and went out. He planned the tasks well, which included conducting trials of students for sports events, informing teachers and students about the entire event, arranging for sitting of audience and refreshments, prize distribution, invitation to parents, etc. So, yaar, past se usne ye present mein sari cheeze ki. बेसिकली आपको पिक्चर को देख के यार उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी है एंड वो नीड कैसे पूरी की जा सकती है। सो दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ बाय योर मेन कैरेक्टर हु विल बी टेकिंग नेसेसरी एक्शंस एंड प्लानिंग इन ऑर्डर टू अचीव द नीड और पर्पस ऑफ द पिक्चर। ही डिवाइड्स द वर्क अमंग हाउस कैप्टन्स एंड मेक प्रॉपर अरेंजमेंट्स। अब हमें पता है ही वॉज द हेड बॉय। नेक्स्ट मंथ द स्पोर्ट्स डे वॉज कंडक्टेड इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर एंड ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द गेम्स। सो लास्ट में यार यू विल बी इंक्लूडिंग फ्यूचर टू कंप्लीट योर स्टोरी। अब टैट में भी आपको ये चार चीजें इंक्लूड करनी है अपनी स्ट्रक्चरिंग में, स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन ऑफ मेन कैरेक्टर, पास्ट ऑफ द सीन, प्रेजेंट ऑफ द सीन एंड फ्यूचर ऑफ द सीन, राइट। नेक्स्ट, अब कभी भी आप कोई भी पिक्चर देखते हो RSS में तो परसीव करने के ना कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप ध्यान में रखोगे यार आपका टाइम भी बचेगा और आप स्टोरी भी एक रेलिवेंट और प्रैक्टिकल लिख पाओगे। फर्स्ट थिंग इज टू नोटिस द बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर, कि पिक्चर जो भी आप देख रहे हो उसके बैकग्राउंड रूम का सीन है, ओपन ग्राउंड का सीन है, किसी स्पोर्ट्स ग्राउंड का सीन है या जंगल का सीन है, किसी भी चीज का सीन है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ टोटल कैरेक्टर्स, कितने आप कैरेक्टर्स दिख रहे हो, राइट। थर्ड थिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेन कैरेक्टर, सो यार आपकी पिक्चर का मेन हीरो कौन है, राइट। सो असली में वो मेन हीरो कोई नहीं है भाई, आप ही हो, और वो जो चीजें करने वाला है ना वो आप करते अगर आप उस जगह पे होते, उस सिचुएशन में होते।
नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड और प्रॉब्लम इन द पिक्चर. अब देखो यार एसएसबी आपको काफी न्यूट्रल पिक्चर्स देगा एंड 99% ऑफ द पिक्चर्स विल बी हैविंग नीड. नीड मतलब रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जांपल अभी इस पिक्चर में ये दोनों कुछ डिस्कस कर रहे हैं. सो व्हाट इज द नीड ऑफ डिस्कशन, व्हाई दिस पेपर इज देयर इन हिज हैंड, है ना. एक और स्टोरी हम इमेजिन करते हैं, देयर इज अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन अ चेयर, ही इज स्टडिंग समथिंग, सो व्हाई, व्हाट इज द नीड. ये आप सब कुछ चीजें देख के सोचनी है. कुछ पिक्चर्स में प्रॉब्लम भी होगी, प्रॉब्लम कैसी होती है. किन्हीं किन्हीं पिक्चर्स में यार आप लोगों को प्रॉब्लम भी दी जाएगी, जैसे कोई इंसान पानी में डूब रहा है, कहीं आग लग गई है, एक्सीडेंट का सीन है, तो भाई उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करना है. एक्नॉलेज मतलब एक्सेप्ट करना है, हाँ कि भाई बिल्कुल हुई है, एंड इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, इस डायर सीन को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, दैट यू हैव टू थिंक एंड राइट. ऑल्सो ड्यूरिंग योर परसेप्शन यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट्स द पर्पस और गोल ऑफ द पिक्चर, राइट. सो ये सारी चीजें यार आपने ध्यान में रखनी है एंड यू हैव टू राइट योर स्टोरी इन योर टैट. नेक्स्ट थिंग, अगर पीपीडीटी इज अ शॉर्ट स्प्रिंट, है ना, 100 मीटर का अगर ये, तो भाई जो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है इट्स अ लॉन्ग मैराथन, ठीक है. 12 स्टोरीज आपको लिखनी है एक एक करके. पिक्चर आएगी स्क्रीन पे 30 सेकंड के लिए, फिर 4 मिनट मिलेंगे स्टोरी लिखने के लिए, फिर दोबारा से सेकंड पिक्चर आई जाएगी. तो ऐसे ऐसे करते करते भाई टोटल आएंगी 12 पिक्चर्स. नाउ भाई देखो बीच में है थोड़ा सा ट्रिकी थिंग. द ट्रिकी थिंग इज दैट आपको जो 12वीं पिक्चर आएगी उसमें कोई पिक्चर नहीं हुई, खाली ब्लैंक स्लाइड आएगी और बोले जाएगा कि भाई राइट योर ब्लैंक स्टोरी. अब ब्लैंक स्टोरी में आपको क्या लिखना है, देखो व्हाट आई कैन शेयर फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंसेस इज कि आप ये चीजें प्रायोरिटाइज कर सकते, ठीक है. एंड दैट टू इज ऑल्सो यार देखो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरा मानना है बींग अ मेंटर, बट ऐसा नहीं है कि मैंने जो बोला है भाई वो फाइनल पत्थर की लकीर है, ठीक है. ऐसा नहीं है, आप लोग और एजुकेटर से पढ़िए जो ऑलरेडी एसएसएस रह चुके हैं, उनसे भी पढ़िए, उनका भी जो थॉट प्रोसेस है उनको जानिए एंड देन फाइनलाइज योर थिंग्स. बट मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको अपनी चीजें शेयर कर देता हूँ. सो राइट एनी स्टोरी बाय इमेजिनिंग अ सीन दैट हैज अ मेन कैरेक्टर अचीविंग अ गोल बाय टेकिंग सम एक्शंस. नाउ आप अपनी ब्लैंक स्टोरी में कौन कौन से आइडियाज को प्रायोरिटाइज कर सकते हो. पहली चीज आप क्या प्रायोरिटाइज कर सकते हो, आपका कोई लाइफ का इंसिडेंट जो आपके लिए यार चैलेंजिंग था थोड़ा सा एंड यू हैंडल्ड इट क्वाइट वेल, मतलब आप बेसिकली उसको रिलेट कर रहे हो खुद के साथ. मे बी आपकी वो पास्ट में पार्टिसिपेशन थी कहीं, या फिर आपकी कुछ हॉबीज का पार्ट था, और मे बी यार आप उस चीज को PIQ में भी कहीं ना कहीं मेंशन करते हो. सो यू कैन राइट दैट, यू कैन बेसिकली रिलेट इट विद योरसेल्फ. सेकंड थिंग इज एनी स्टोरी दैट हैज इंस्पायर्ड यू फ्रॉम योर सराउंडिंग्स. अब आसपास यार इंस्पिरेशन की कमी है ही नहीं, है ना, जिसने देखना है भाई वो कहीं से भी इंस्पिरेशन उठा लेगा, राइट. सो आपके आसपास यार आप किसी की स्टोरी देख के इंस्पायर हो, यू कैन राइट हिज और हर स्टोरी. एंड थर्ड थिंग इज भाई उस टाइम पे, उस मोमेंट पे एनी पिक्चर दैट स्ट्राइक्स योर माइंड, यू राइट योर स्टोरी ऑन दैट थिंग, ठीक है. बट ये थोड़ी सी अनसर्टेन चीज रहेगी. सो मैं पर्सनली यार आपको एज अ गुड फ्रेंड ये एडवाइस करूंगा कि आप ब्लैंक स्टोरी पहले से प्रिपेयर करके जाइए. हैव 2 to 3 गुड स्टोरीज जो मे बी आपसे रिलेटेड है, आपकी थॉट प्रोसेस को अच्छे से बयां करती है, देन All you have to do is write it. Well, देखो यार ब्लैंक स्टोरी आप पहले से सोच के जा सकते हो, तो 4 मिनट है तो ऐसा मत करना कि आप लिख ही ना पाओ, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज टैट में यार प्लीज डोंट लीव एनी स्टोरी, ठीक है, क्योंकि ठीक है मे बी SSS कैन थिंक ऑफ इट लाइक यू वर शॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन, या मे बी आपका रिएक्शन टाइम बहुत स्लो था, आप देख ही नहीं पाए और समथिंग लाइक दिस. ऑल्सो प्लीज कटिंग वगैरह मत करना, राइट, एंड जस्ट वर्क ऑन योर राइटिंग. एंड डेफिनेटली आप अगर प्रैक्टिस करोगे यार इट कैन एनहांस योर परफॉर्मेंस, राइट. सो बस इतनी सी चीजें हैं एंड नाउ लेट अस कम टू द इंटरव्यू क्विज. सो यार आज का क्वेश्चन ये है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, राइट. सो द ऑप्शन ए इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेकंड द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, थर्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और फोर्थ इज इट द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, राइट. सो आप अपने आंसर्स यार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड जो भी सही आंसर रहेगा, ठीक है, वो मैं पर्सनली भी लिख दूंगा एंड ऑल्सो आई विल गिव यू अ स्मॉल हार्ट, राइट. क्योंकि यार फरवरी का महीना है, ठीक है, एंड वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे हार्ट एक दूसरे को देख के ही मनाएंगे, राइट. सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड यार, एंड आई होप आपको टैट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर रहा होगा. बाकी आगे की वीडियोज में हम क्या करेंगे, हम कुछ पिक्चर्स उठाएंगे एंड हम उनका ना एनालिसिस करेंगे ताकि आपको चीजें लगे पता कि हाँ यार इस पिक्चर पे ये स्टोरी भी बन सकती है, वो भी बन सकती है, राइट. एंड जैसे कि यार मैंने स्टार्टिंग में एक, ठीक है, एक कोटेशन यूज की थी, योर परसेप्शन क्रिएट्स योर रियलिटी. सो सी ट्राई टू फाइंड गुड इन एवरीथिंग दैट यू सी, राइट. रीड गुड बुक्स, ठीक है, गो थ्रू सम गुड आर्टिकल्स, फीड गुड डाटा इनटू योर ब्रेन, राइट. एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग सो यार साइकोलॉजी, देखो सिंपल सी बात है यार, साइकोलॉजी इज जस्ट लाइक अ फ्लावर, ठीक है,
तो जितना आप उसको पानी दोगे अच्छे क्वालिटी वाला, उतना ही वो फ्लावर अच्छे से खिलेगा। एंड आई रियली वॉन्ट कि आप अच्छे से साइकोलॉजी टेस्ट परफॉर्म करें। तो गाइज यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी नाउ आई विल बी कंसिस्टेंट विद अपकमिंग वीडियोज एंड आई विल मेक श्योर यार कि हम कंसिस्टेंट रहे अपनी प्रेपरेशन के साथ। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है यू गाइज कैन डेफिनेटली शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स। एंड लास्ट में यार यही कहूंगा कि मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। सो गाइज प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जय हिंद।